नमस्कार। अव्वल तो मैं बोलती नहीं हूँ, आप सब जानते हैं ये बात, लेकिन यहाँ पर सब लोगों ने गुलजार भाई साहब का जिक्र किया तो उनका एक शेर याद आ रहा है मुझे। पूरा शेर बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो लाइन मैं बोलूँगी कि रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है। भाइयों बहनों, प्यारे दोस्तों, मैंने कभी रूह को देखा तो नहीं, लेकिन एक बहुत ज़हीन, बहुत पाक, बहुत मुलायम, बहुत ही नाजुक और बहुत ही खूबसूरत रूह को मैंने महसूस ज़रूर किया है, और वो है मेरी प्यारी सी छोटी बहन स्मिता पाटिल। आणि मला एवढंच हिंदी येते हां, आता मी इंग्लिशमध्ये बोलणार, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। कॅन आय स्पीक इन इंग्लिश नाव? या, ओके। नो, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रतीक, बिकॉज यू नो यू कॅन ओनली टॉक इन इंग्लिश, राईट? जस्ट किडिंग। नो, आय हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर, बिकॉज दिस ऑफकोर्स थँक्यू ललिता ताई, थँक्यू आनंदजी भाई, थैंक यू अमृता, थैंक यू एवरीबडी, यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और शुक्रिया। और आपने मुझे चुना है, अच्छा किया कि आप सब लोगों को पहले मालूम पड़ गया कि इस पुरस्कार का पहला हक मेरा बनता है। हाँ जी, अगर आप किसी और को देते तो मैं पर्सनली ले लेती थी, नो आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन अच्छा, ओवर टू इंग्लिश। आई एम हियर ऑफकोर्स to receive this award, but if this award signifies the excellence of her craft, which is, you know, her acting abilities or her just dancing abilities or her ability to be fearless in front of the camera or in choosing her roles or in the way she could just, you know, just lift that eyes, beautiful eyes of hers, and make a statement without saying a single word. Well, all this is not why I have received this award, because she's way far more, you know, finesse and brilliant as an actor. ये मुझे 30 साल पहले मालूम पड़ा, जब मैंने ठान ली कि मैं उनकी सारी फिल्में देखूँगी, और मैंने देखी, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, you better believe me, कि she's far, 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 far more better actor than me or anybody else.